हेलो फ्रेंड्स दिस इज राहुल वेलकम टू जेरेफ टीमर्स सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू ऑफ यूनिट बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सो फ्रेंड्स अब तक तो है मैं आपके साथ यूनिट फर्स्ट टू यूनिट टेन हर एक यूनिट का पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुका था उसी के साथ कुछ यूनिट्स के पार्ट टू भी डिस्कस कर लिए हैं पार्ट टू में बेसिकली हम उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिसको हमने पार्ट टू में पार्ट फर्स्ट में स्किप कर दिया था ओके okay, सो so इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आप पर्टिकुलर यूनिट का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लेते हैं उसमें आपका ऑलमोस्ट सेवेंटी टू एटी परसेंट सिलेबस कवर हो जाएगा और रही बात रिमेनिंग सिलेबस की उसको भी हम प्रैक्टिस फॉर्म में जब हम एम सी करेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे उसमें उसको भी कवर कर लेंगे ओके इस तरह आपका हंड्रेड सिलेबस जो है वो कवर करा दिया जाएगा कोशिश यही है पूरी की पूरी ठीक है फ्रेंड्स इसी के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको वहीं पर मिलती रहती हैं पीडीएफ नोट्स हो गया एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो गया वो सारी वहीं कराई जाती है ओके उसी के साथ कोई भी पी की नोटिफिकेशन आती है या फिर कोई जॉब नोटिफिकेशन आती है वो भी वहाँ प्रोवाइड करा दी जाती है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं चलिए टाइम को वेस्ट क्यों स्टार्ट करते हैं ओके सबसे पहला टॉपिक है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके जितने भी मेथड्स हैं उसमें से हमें हर बार क्वेश्चन देखने को मिला है ठीक है तो चांसेस यही है कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आपको जरूर देखने को मिलेगा चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल है क्या सो परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस कि हम इवेल्युएट कर रहे हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ठीक है कोई भी एम्प्लॉय है कहीं भी वर्क कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं इट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन अब किस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है देखो चाहे सेक्टर कोई सा भी हो चाहे आप अकेडमिक सेक्टर में हो चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो कहीं भी हो सारे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है लाइकवाइज वाइज आई मीन असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे टारगेट मिला हुआ है कि मुझे जो बीकॉम है उसको जितने भी सब्जेक्ट्स दे रखे हैं वो सारे के सारा उनका सिलेबस कंप्लीट करवाना है अभी एक टारगेट दे रखा है कि उसका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना है अच्छे से अब मेरी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा एट द लास्ट वो देखेंगे कि क्या मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया है क्या बच्चों को अंडरस्टैंड हुआ है ठीक है इस वे में परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है इवेलुएट किया जाता है सेम कॉरपोरेट सेक्टर में भी क्या किया जाता है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है ठीक है अब परफॉर्मेंस इवेलुएशन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है देखो अगर कहीं कमी है, नजर आ रही है तो उसको ट्रेनिंग दो अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करो तो ट्रेनिंग और रिवॉर्ड प्रोवाइड करने के लिए ही हम क्या करते हैं परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं और प्रमोट करने के लिए भी एम्प्लॉय को सीनियर जॉब पे प्रमोट करने के लिए हम परफॉर्मेंस इवेलुएशन करते हैं इन दिस सिस्टम देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ पर्सन इन्वॉल्व अब परफॉर्मेंस इवेलुएशन में दो तरह के पर्सन इन्वॉल्व होते हैं एक तो होता है अप्रेजी द पर्सन हुज परफॉर्मेंस इज गोइंग टू अप्रेज जिसकी परफॉर्मेंस को हम अप्रेज करते हैं इवेलुएट करते हैं वो होता है अप्रेजी उसी के साथ जो दूसरा पर्सन होता है वो होता है हमारा अप्रेजर जो परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है जो सुपरवाइजर परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहा है वो होता है हमारा अप्रेजर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस इवेलुएशन इज टू एनालाइज द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉयज तो बेसिकली की वीकनेस को और स्ट्रेंथ को एनालाइज करना जिसके बेस पर हम उनको ट्रेनिंग या रिवॉर्ड प्रोवाइड कर सके यही हमारा मेन उद्देश्य होता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का ओके होप सो क्लियर हो गया होगा चलिए अब बात आती है प्रोसेस क्या होता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का अगर मेरे को किसी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है तो कौन सा प्रोसेस मुझे फॉलो करना पड़ेगा देखिए सबसे पहला तो स्टेप होता है एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को इस्टैब्लिश करना होगा जैसे कि मान लो कोई मेरी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर रहा है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं तो सबसे पहले मुझे स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा मुझे बताया जाएगा कि आपको इतना सिलेबस करवाना है अब जितना सिलेबस करवाना है वो मेनली स्टैंडर्ड होगा उस स्टैंडर्ड को मुझे अचीव करना होगा तो सबसे पहला टास्क क्या है अस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश कर दीजिए उसके बाद उन स्टैंडर्ड्स को कम्युनिकेट करिए किसके साथ किसके साथ अप्रेजी के साथ जिसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है उसके साथ उस स्टैंडर्ड को कम्युनिकेट करिए लाइकवाइज मुझे कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इतना सिलेबस करवाना है या आपको इस यूनिट का इतना पार्ट करवाना है तो जो भी स्टैंडर्ड होगा वो मुझे कम्युनिकेट कर दिया जाएगा स्टैंडर्ड कम्युनिकेट करने के बाद मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा मेजर किया जाएगा तो थर्ड स्टेप इज द मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस जितनी परफॉर्मेंस उसने दी है उसको मेजर कर लीजिए उस परफॉर्मेंस को कंपेयर कर दीजिए हमारे स्टैंडर्ड के साथ जो हमने स्टैंडर्ड डिटरमाइन करा था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है अब ऐसा भी हो सकता है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही हो इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड और हो सकता है कि स्टैंडर्ड के डाउन भी रही हो अगर अच्छी रही है तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे उसको मोटिवेट करेंगे अगर वो कम रही है तो भैया उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें तो ये बेसिकली हमारा एक प्रोसीजर होता है परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन का होप सो क्लियर हो गया होगा चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसके मेथड्स मेथड्स काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स जनरली क्वेश्चन हमें यहीं से देखने को मिलता है सबसे पहला और सबसे सिंपल मेथड दैट इज सिंपल रैंकिंग मेथड अब सिंपल रैंकिंग मेथड क्या होता है यहां पर हमें कुछ सेट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं हाँ जी यहां पर क्या होता है बेसिकली कुछ फैक्टर्स हम डिसाइड कर लेते हैं जिसके कंपैरिजन हम करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से ठीक है बेसिकली हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं कुछ फैक्टर्स के साथ लाइकवाइज हमने देखा डिसिप्लिन के मामले में देख लिया या हमने कोई और कोई और फैक्टर ले लिया उसके कंपैरिजन में देख लिया इसी तरह हम कुछ फोर टू फाइव फैक्टर डिसाइड कर लेते हैं जिनके कंपैरिजन में हम एंप्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं ऑन द बेसिक ऑफ परफॉर्मेंस दे ऑल आर रेटेड फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन ऑर्डर ऑफ देयर परफॉर्मेंस अब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा फर्स्ट ऑर्डर से लेकर लास्ट ऑर्डर तक ठीक है लाइकवाइज अगर मान लो मैंने डिसिप्लिन लिया तो डिसिप्लिन में मान लो एक एम्प्लॉय है ए ए का डिसिप्लिन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रहता तो उसको मैंने लास्ट रैंक दी इन केस ऑफ डिसिप्लिन क्योंकि वो डिसिप्लिन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करता इसी तरह मैं हर एक फैक्टर के अंदर हर एक एम्प्लॉय को कह दूंगा रैंकिंग प्रोवाइड करूंगा दिस मैथड इज सफर फ्रॉम वेरियस लिमिटेशन अब ये कुछ लिमिटेशन से सफर करता है लाइक इफ देर आर मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू असाइन रैंक अगर एम्प्लॉयज ज्यादा हो गया अगर देखो पाँच फाइव टू सिक्स फैक्टर लिए ठीक है हर एक एम्प्लॉय को हर एक फैक्टर के ऊपर कंपैरिजन करना है तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो अगर ज्यादा हो गए तो ठीक है तो थोड़े एम्प्लॉयज में ही ये काम कर सकता है दिस इज नोन एज सिंपल रैंकिंग मैथड सो क्लियर हो गया होगा अब हम बात करते हैं पेयड कंपेरिजन मैथड ये सिंपल रैंकिंग मेथड का एक अपडेटेड वर्जन है पेयर्ड कंपेरिजन मेथड इसमें क्या होता है ऑल द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस आर कंपेयर्ड विद अदर एम्प्लॉयज अगेन हमारे कुछ फैक्टर्स तो कॉन्स्टेंट रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने कंपेरिजन करना है लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं हर एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेरिजन करते हैं लाइकवाइज अगर एक फर्म के अंदर फाइव एम्प्लॉयज हैं लाइकवाइज वन टू थ्री फोर फाइव तो पहले फर्स्ट एम्प्लॉय को ये जो फर्स्ट एम्प्लॉय है इसको मैं कंपेयर करूंगा सेकंड के साथ भी उसको मैं कंपेयर करूंगा थर्ड के साथ भी अगेन उसको कंपेयर करूंगा फोर्थ के साथ भी मतलब हर एक एम्प्लॉय को हर एम्प्लॉय के साथ क्या करना है कंपेयर करना है और जैसे मान लो अगेन फैक्टर लिया डिसिप्लिन डिसिप्लिन तो के मामले में मैंने फर्स्ट को कंपेयर किया सेकंड के साथ किसका डिसिप्लिन अच्छा है फिर फर्स्ट को कंपेयर किया थर्ड के साथ फिर देखा किसका डिसिप्लिन अच्छा है फिर फर्स्ट को कंपेयर किया फोर्थ के साथ फिर देखा इन दोनों में से किसका डिसिप्लिन अच्छा है इस तरह मैं क्या करूंगा हर एक एम्प्लॉय को हर किसी दूसरे के साथ क्या करूंगा कंपेरिजन करूंगा ओके सो द नंबर ऑफ टाइम्स ईच मेंबर इज प्रेफर्ड ओवर अदर्स इज रिकॉर्डेड सपोज करो पांच एम्प्लॉयज हैं ए बी सी डी ई ए को कंपेयर किया बी के साथ तो ए बेस्ट निकला ए को कंपेयर किया सी के साथ तो ए बेस्ट निकला ए को कंपेयर किया डी के साथ तो डी बेस्ट निकला इसका मतलब क्या हुआ ए दो बार ही बेस्ट निकला इस तरह मैं क्या करूँगा उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करूंगा कि कौन सा कितनी बार जो है बेहतरीन निकला इन कंपेरिजन टू अदर ओके द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज द नंबर ऑफ पेयर्स इज टू बी कैलकुलेटेड बाय द फ्लोइंग फार्मूलाज अब कितने पेयर्स बनेंगे ये कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है दैट इज एन माइनस वन डिवाइड बाई टू सो एन इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज माइनस वन डिवाइड बाई टू तो इतने पेयर्स हमें बनेंगे अब देखो इसकी डिसएडवांटेज क्या है अगर मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हुए ज्यादा एम्प्लॉयज हुए उस टाइम पर यह मैथड कभी भी मैं प्रेफर नहीं कर सकता भाई साहब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग मैथड है बहुत ज़्यादा टाइम टेकन मैथड है इस मेथड को उस केस के अंदर नहीं यूज कर सकता मैं ओके होप सो क्लियर हो गया होगा चलिए इसके बाद है हमारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अब फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कहता है इसके जो हम एक डिस्ट्रीब्यूशन स्केल बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं एक स्केल बनाते हैं अब वो फाइव ग्रेड स्केल होता है ठीक है जैसे एक स्केल है फाइव ग्रेड एक साइड तो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है एक साइड लो रिप्रेजेंट करता है पुअर रिप्रेजेंट करता है फैक्टर हमारे कॉन्स्टेंट रहेंगे ठीक है ऑल द एम्प्लॉयज आर रेटेड समवेयर ऑन द स्केल अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन कम्पेरिजन टू अदर एम्प्लॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेक्ड रैंकिंग और बेल वेल्व रैंकिंग मैथड जैसे कि मान लो डिसिप्लिन की बात करी तो डिसिप्लिन के मामले में ए एम्प्लॉय जो है वो बेस्ट है तो मैंने बेस्ट की तरफ रैंक करा अगर वो अच्छा नहीं मेंटेन कर रहा तो उसको मैं लो की तरफ क्या करूंगा पुअर की तरफ क्या करूंगा रैंक कर दूंगा तो एक स्केल का बेसिकली हम यूज कर रहे हैं जिसमें फाइव ग्रेड होती हैं बेस्ट सपोज करो बेस्ट गुड एवरेज पुअर वेरी पुअर इस तरह कोई ग्रेड्स होती हैं जिसके बेस पर मैं क्या करता हूँ एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करता हूँ इसके बाद आता है फोर्स चॉइस मेथड दोनों मेथड के अंदर काफी कंफ्यूजन रहती है फ्रेंड्स फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और फोर्स चॉइस मेथड के अंदर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड के अंदर हम एक स्केल का यूज कर रहे हैं फाइव ग्रेड स्केल का यूज कर रहे हैं लेकिन फोर्स चॉइस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स बनाते हैं जी यहाँ पर हम क्या करते हैं कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो रेटर क्या करता है हाउ इफेक्टिवली स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब्ड ईच इंडिजुअल हम कुछ स्टेटमेंट डिसाइड करेंगे कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगी कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स होंगी हम ये देखेंगे कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो कितना रिप्रेजेंट कर रही हैं किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ओके okay. तो स्टेटमेंट्स हमारी पॉजिटिव भी होंगी नेगेटिव भी होंगे और हर एक स्टेटमेंट को हमने वेट दे रखा होगा अब वेट कैसे दूंगा सपोज करो मैंने एक स्टेटमेंट ऐसी ली जो बहुत ज्यादा जरूरी थी मान लो एक Uh, टीचर की बात करते हैं तो टीचर की प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए क्योंकि बेसिकली उसका काम ही क्या होता है हर एक टॉपिक को प्रेजेंट करना तो अब ये प्रेजेंटेशन स्किल जो है इसको जो वेट दी जाएगी वो क्या दी जाएगी ज़्यादा दी जाएगी ऑन द कॉन्ट्रेरी कोई ऐसी चीज़ है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है टीचर के लिए उसको जो वेट दी जाएंगी उसको कैसे जाएंगे कम दिए जाएंगे इस वे में मैं हर एक स्टेटमेंट को कह दूंगा वेटेज प्रोवाइड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस वो कितनी इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए ठीक है तो हर एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा एम्प्लॉय को कंपेयर करूंगा उसका स्कोर नोट डाउन करूंगा एट लास्ट मैं उस स्कोर को क्या करूंगा ऐड करूंगा और सबके स्कोर्स को कंपेयर करूंगा फिर देखूंगा किसकी कंपेरिजन बेस्ट है और किसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है लो है ठीक है तो ये है हमारा कौन सा फोर्स चॉइस मैथड होप्स क्लियर हो गया होगा चलिए अब हम बात करते हैं ग्राफिक रेटिंग स्केल मैथड अब ग्राफिक रेटिंग स्केल मैथड में क्या होता है हम कुछ ट्रेड्स डिसाइड कर लेते हैं जिसके बेस पर हमने किसी एम्प्लॉय को कंपेयर करना होता है परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है सच एज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क तो ट्रेड्स हमारी क्वालिटी के रिगार्डिंग भी हो सकती है और क्वांटिटी के रिगार्डिंग भी हो सकती है इन दिस मेथड द प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म इज यूज तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं एक प्रिंटेड फॉर्म का यूज करते हैं टू अप्रेज ईच एम्प्लॉय हर एक एम्प्लॉय को अप्रेज करने के लिए हम एक प्रिंटेड फॉर्म का यूज करते हैं द फॉर्म लिस्ट ट्रेड्स सच एज़ क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी एंड रेंज ऑफ जॉ परफॉर्मेंस क्रैक्टरिस्टिक्स तो अब उस फॉर्म के अंदर क्या होता है एक साइड तो हमारी ट्रेड्स लिखी होती है अब ट्रेड्स रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ ट्रेड्स होती हैं और ट्रेड्स के साइड में हमारा क्या होता है परफॉर्मेंस क्रैक्टरिस्टिक्स होती हैं अनसेटिस्फैक्ट्री आउटस्टैंडिंग सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं मतलब ये एक अप्रेजल फॉर्म है एक साइड्स पर तो एक साइड पर तो क्या होगा ट्रेड लिखी होंगी एक साइड पर उसकी परफॉर्मेंस रिगार्डिंग कैक्टर लिखी होंगी अनसेटिस्फैक्ट्री है सेटिसफैक्ट्री है आउटस्टैंडिंग है कैसी है द रेटिंग फॉर ईच फैक्टर विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स नंबर्स तो नंबर फॉर्म में हम क्या करेंगे रेटिंग प्रोवाइड करेंगे द टोटल ऑफ द पॉइंट्स ऑप्टेन बाय एम्प्लॉय ऑन रेटिंग फैक्टर्स द ओवरऑल रेटिंग स्कोर और उन्हीं नंबर्स को हम रिकॉर्ड करेंगे ठीक है लाइक कोई ट्रेड है वो काफी अच्छी परफॉर्म कर रखी है तो उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे कोई ट्रेड ऐसी है जिसके रिगार्डिंग एम्प्लॉय जो है काफ़ी वीक है उसको हम नेगेटिव नंबर प्रोवाइड करेंगे एट लास्ट हम नंबर्स को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे नंबर्स को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे सभी की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे उसी की परफॉर्मेंस कैसी होगी बेस्ट होगी ओके होप सो क्लियर हो गया होगा चलिए इसके बाद है हमारा क्रिटिकल इंसिडेंट मैथड काफ़ी सिंपल मैथड है इस मैथड के अंदर हमें क्या करना होता है जो एम्प्लॉय होता है उसका जो हेड होता है जो बेसिकली सुपरवाइजर होता है वो उसको ड्यूरिंग द जॉब नोट डाउन कर रहा होता है अब हम जब जॉब कर रहे होते हैं कई बार हमसे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो गलत होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए ऐसे इंसिडेंट्स भी क्रिएट हो जाते हैं कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं ठीक है जिससे हमारे जो एम्प्लॉय है जो हमारे सीनियर्स हैं वो खुश होते हैं तो कुछ इंसिडेंट्स पॉजिटिव होते हैं कुछ इंसिडेंट्स नेगेटिव होते हैं तो जो हमारा सुपरवाइजर है जो हमारा सीनियर है वो हमें रिकॉर्ड कर रहा होता है सारे इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है एट लास्ट वो एक लिस्ट बनाता है कितने मैंने पॉजिटिव इंसिडेंट्स करे और कितने मैंने नेगेटिव इंसिडेंट्स करे अगर मेरे पॉजिटिव इंसिडेंट्स ज्यादा होते हैं इन कम्पेरिजन टू नेगेटिव इंसिडेंट्स तब तो मेरी परफॉर्मेंस है अच्छी बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मेरे नेगेटिव इंसिडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू पॉजिटिव इंसिडेंट्स उस टाइम पर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी ठीक है उस टाइम पर मुझे नेगेटिव ग्रेड दे दिया जाएगा तो इस वे में हम क्या करते हैं परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करते हैं इस मेथड को हम कहते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड ओके चलिए अब हम बात करते हैं चेकलिस्ट मेथड अब चेकलिस्ट मेथड के अंदर क्या होता है एम्प्लॉय जो है एक लिस्ट बनाता है किस चीज की फैक्टर्स की अब लिस्ट कैसी जैसे कि कोऑपरेट क्या एम्प्लॉय जो है वो कोऑपरेट कर रहा है अदर एम्प्लॉयज के साथ नेक्स्ट है डज डू दे कीप देर वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन क्या वो डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है तो इस तरह के कुछ जो ज्यादा इंपोर्टेंट होगा उसको ज्यादा वैल्यू मिलेगी जो लीस्ट इंपोर्टेंट होगा उसको कम वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी दूसरे हाइयर वैल्यू असाइन की जाएगी और एट लास्ट हम क्या कर देंगे उनके सम का स्कोर कर देंगे जितने न्यूमेरिकल वैल्यूज उनको मिली है हर एक फैक्टर्स के रिगार्डिंग एट लास्ट हम उनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम हर किसी की परफॉर्मेंस को क्या कर लेंगे कंपैरिजन कर लेंगे तो ये भी एक मेथड सा परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का इसको कहते हैं चेकलिस्ट मैथड नेक्स्ट है एस ए मैथड अब एस से मैथड में जो मैनेजर है उसके लिए सिर सिरदर्दी आ जाती है क्यों अब मैनेजर का, का काम होता है कि एक डिटेल रिपोर्ट बनानी पड़ती है एक ऐसे लिखना पड़ता है रिगार्डिंग द एम्प्लॉय कि एम्प्लॉय की वीकनेस लिखिए उसकी स्ट्रेंथ लिखिए उसके बारे में लिखिए क्या उसने कोई गलत काम किया उसके बारे में लिखिए एम्प्लॉय के बारे में पूरा एक डिटेल चार्ट बना दीजिए उसकी कुंडली निकाल कर उसको लिख दीजिए ये होता है हमारा ऐसे मैथड तो काफ़ी सिरदर्दी वाला मैथड होता है मैनेजर के लिए वो कभी प्रेफर नहीं करते इस मैथड को सो अंडर दिस इट डिटेल राइट अप ऑन द जॉब नॉलेज एंड पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी प्रोग्राम्स पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स तो सारी चीज़ों के बारे में मैनेजर को लिखना पड़ता है एक चार्ट तैयार करना पड़ता है ऐसे मैथड प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू द ऐसे मैथड चलिए नेक्स्ट मैथड है हमारा मॉडर्न मैथड है ये एक मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव मैथड सबसे बेस्ट मैथड जो अब तक माना गया है वो मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव मैथड को ही माना गया है क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि इस मेथड में सबसे पहले हम फोकस करते हैं ऑब्जेक्टिव पर जब तक एक एम्प्लॉय को उसका उद्देश्य नहीं पता होगा कि किस चीज के लिए उसको काम करना है उसको उसका स्टैंडर्ड नहीं पता होगा तब तक वो कभी भी ढंग से काम कर ही नहीं पाएगा इस चीज की लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने फोकस किया है किसके ऊपर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मैथड सो अंडर दिस मैथड ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव आर टू बी डिसाइडेड विच इज टू बी रियलाइज बाय द एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय के थ्रू क्या के जाएगा? किया जाएगा अचीव किया जाएगा ज ऑब्जेक्टिव आर यू लेटर यूज एज एन क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय और बाद में क्या है इसको एक क्राइटेरिया के तौर पर यूज किया जाएगा जिसके थ्रू हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्या करेंगे मेजर करेंगे ओके okay. तो पहले हमने ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दिया उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है बाद में हमने देखा कि उसने कितना ऑब्जेक्टिव अचीव करा ऑब्जेक्टिव से अच्छी परफॉर्मेंस करी या ऑब्जेक्टिव से कम करी तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारे लिए क्या हो जाता है क्राइटेरिया हो जाता है इन अदर वर्स एक्सटेंड टू विद ऑब्जेक्टिव हैव बिन अचीव बाई द एम्प्लॉय ओके तो बेसिकली मैनेजमेंट वो ऑब्जेक्टिव जो है हमारे ऑब्जेक्टिव पर फोसता है परफॉर्मेंस को मेजर करने से पहले हम उसका एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं स्टैंडर्ड को कम्युनिकेट कर देते हैं के साथ, उसको ये चीज अचीव करनी है फिर बाद में हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं इन कम्पेरिजन टू स्टैंडर्ड ओके होपो क्लियर हो गया होगा चलिए अब हम बात करते हैं थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रेजल मैथड अगेन एक मोडर्न मैथड है इसको हम मल्टी रेटर फीडबैक भी कहते हैं मल्टी सोर्स फीडबैक भी कहते हैं ऑल क्रिटिकल अप्रेजल और ग्रुप अप्रेजल रिव्यू भी कहते हैं सो so, इस कंसेप्ट को जो डेवलप किया गया था यूएस के अंदर किया गया था इसके अंदर क्या है दिस कंसेप्ट इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन बिहेवियर फ्रॉम द पीपल अराउंडिंग अब यहाँ पर हम क्या करते हैं एम्प्लॉय के रिगार्डिंग हम रिव्यूज लेते हैं किससे लेते हैं जो एम्प्लॉय के अराउंड रहते हैं लाइकवाइज कस्टमर हो गया उसके कलीग्स हो गए मैनेजर हो गया हर किसी से रिव्यू लेते हैं रिगार्डिंग द एम्प्लॉय पूछते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है बताइए ये कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है क्योंकि एक कस्टमर अब मान लो कोई कस्टमर है मैं एक शॉपकीपर हूँ अब उसकी डीलिंग तो मेरे साथ ही है ना वो तो मेरे से डेली माल खरीदते हैं सामान खरीदते हैं उसको पता है मेरे बिहेवियर के बारे में तो अगर कोई कल को इवेल्यूएट करेगा तो वो कस्टमर से पूछ सकता है कि बताओ वो आपके साथ कैसा ट्रीट करता है जो एम्प्लॉय के अराउंड है सभी से कम्युनिकेट करते हैं चाहे कोई सर्वेंट भी भैया बताइए का बिहेवियर कैसा है ठीक है तो थ्री सिक्सटी डिग्री के अंदर हम सभी के साथ जो अराउंड एम्प्लॉय के अराउंड है चारों तरफ रहते हैं उनसे कम्युनिकेट करके उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं ओके होप्स क्लियर हो गया होगा तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं उसका बोस भी आ जाता है कलीग्स भी आ जाते हैं फेलो मेंबर्स भी आ भी आ आ जाते जाते हैं सप्लायर्स हैं कस्टमर भी आ जाते हैं तो जिसके साथ एक एम्प्लॉय डील करता है जो उसके अराउंड होते हैं उन सभी से कम्युनिकेशन किया जाता है रिगार्डिंग द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ओके इसके बाद है असेसमेंट सेंटर अब असेसमेंट सेंटर क्या है इसके अंदर जो एम्प्लॉय होता है उसको अलग से दो से तीन दिन सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करने के लिए एक अलग सी जगह पर भेज दिया जाता है उस जगह को हम क्या कहते हैं असेसमेंट सेंटर कहते हैं तो बेसिकली एक सेंटर लोकेशन होती है जहां पर मैनेजर और साथ में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं दो-तीन दिन इकट्ठे रहते हैं जो मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं अच्छे से करते हैं कई सारे वो मेथड्स फॉलो करते हैं इवैल्यूएट करने के लिए तो अगर दे आर असेस बाय सीनियर मैनेजर सप्लीमेंटेड बाय द साइकोलॉजिस्ट एंड एच स्पेशलिस्ट तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट पर्सन बैठे होते हैं जिनको हर एक चीज की नॉलेज होती है तो वो इवेल्युएट करते हैं किसको एम्प्लॉयज को एस एस सी इज आज टू पार्टिसिपेट इन इन बास्केट एक्सरसाइज वर्क ग्रुप सेमेशन रोल प्लेंग कई तरह के मेथड्स करवा के देखे जाते हैं ये पर्टिकुलर मैथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं उसकी क्रिएटिविटी को चेक करते हैं एम्प्लॉइज की लाइकवाइज इन बास्केट एक्सरसाइज हो गया वर्क ग्रुप सेमेशन हो गया रोल प्लेंग हो गया ये सारे मेथड्स के थ्रू क्या करते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं सो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस फीडबैक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज प्रोवाइडेड तो एट द एंड जब वो जाने को टाइम हो जाता है उस टाइम पर फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है किसको एम्प्लॉइज को अगर उनके कोई स्ट्रेंथ है तो वो बताई जाती है कोई वीकनेस है तो वो बताई जाती है अगर वीकनेस होगी तो वो उनको दूर कर लेंगे स्ट्रेंथ होगी तो वो मोटिवेट हो जाएंगे ओके तो ये मेथड है हमारा कौन सा असेसमेंट सेंटर इसके बाद जो लास्ट मेथड है वो हमारा कौन सा है बिहेवियर एंकर रेटिंग स्किल मेथड अब बिहेवियर एंकर रेटिंग स्किल मेथड इसमें क्या होता है हम फोकस करते हैं एम्प्लॉय के बिहेवियर पर ठीक है बिहेवियर पर मेनली हमारा फोकस रहता है एम्प्लॉयज के सो इट इज ऑल्सो नोन एज बार्स आर ए टाइप ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्किल डेट यूज बिहेवियर स्टेटमेंट एज ए रेफरेंस पॉइंट तो हम किस चीज़ का यूज कर रहे हैं बेसिकली बिहेवियर स्टेटमेंट का यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सो इट फोकस्ड ऑन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर जो फोकस रहता है वो क्वालिटेटिव पर भी रहता है और क्वानिटिटेटिव पर भी रहता है क्योंकि बिहेवियर है बिहेवियर को हम क्वान्टिटी में तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं उधर तो क्वालिटी देखी जाएगी यहाँ पर स्पेसिफिक द बार्स मेथड ऑफ परफॉर्मेंस एट मेजर्स एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर तो जिस तरह का बिहेवियर हम उससे एज्यूम करके चल रहे थे और जिस तरह का बिहेवियर वो एट प्रेजेंट कर रहा है उसका बेसिकली हम क्या करते हैं कंपेरिजन करते हैं ठीक है ठीके? हम मान के चल रहे थे ये जो टीचर हैं ये काफ़ी अच्छा पढ़ाएंगे ये ऐसा पढ़ाएंगे लेकिन इन रियलिटी जो उनका बिहेवियर है क्लास के प्रति वो अच्छा नहीं है वो बड़े जो हैं लेजी uh, टाइप है वो अपना लेक्चर लेना पसंद नहीं करते तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज़ के बिहेवियर की है ना तो वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है क्वांटिटेटिव भी हो सकता है तो ये हमारा जो मेथड है इसको हम कहते हैं बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल मेथड होप सो आपको सारे के सारे मेथड्स क्लियर हो गए होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स है फ्रेंड्स मैच ऑफ द फ्लोइंग में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है और आपसे डायरेक्ट एम सी क्यू भी आस किया जा सकता है ओके okay. चलिए अब हम बात करते हैं लीडरशिप अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लीडरशिप जो थ्योरीज हैं और उसके स्टाइल है वो काफी इंपॉर्टेंट है ओके चलिए डिस्कस करते हैं तो लीडरशिप होता क्या है सो so, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है इन्फ्लुएंस किया जाता है बिहेवियर किसका फॉलोवर्स का तो एक लीडर के पास ऐसी कैपेसिटी होती है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है अपने फॉलोवर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है ठीक है अब देखो ये एक नॉन क्योरसिव मेथड है नॉन क्यूरसिव मेथड है मतलब यहाँ पर जो है प्रेशर नहीं डाला जाता सपोज करो अब मैं मुझे कहोगे कि मैं लीडर हूँ और मैं उनको धमका रहा हूँ ठीक है स्टूडेंट्स को धमका धमका कर काम करवा रहा हूँ तो मैं एक अच्छा लीडर नहीं कहलाऊंगा ठीक है जबरदस्ती कभी भी लीडर काम नहीं करवाता वो अपने नेचर से अपने बिहेवियर से इस तरह अपने फॉलोवर्स को मोटिवेट करता है कि वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं ठीक है अगर मैं लीडरशिप गिव्स पीपल ए विजन फॉर फ्यूचर तो लीडरशिप क्या है बेसिकली एक विजन प्रोवाइड करती है फ्यूचर के लिए ओके okay, अब लीडरशिप के तीन स्टाइल होते हैं एक होता है ऑटोक्रेटिक एक होता है डेमोक्रेटिक एक होता है लेजिस्फेयर ऑटोक्रेटिक में क्या होता है जो पावर होती है वो सेंट्रलाइज होती है लीडर के पास ही सारी पावर होती है लीडर इज अ सोल डिसीजन मेकर जो लीडर को सही लगेगा वो वैसा ही करेगा उसको नहीं मैटर करता फॉलोवर्स उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं लेकिन जो लीडर ने डिसीजन ले लिया वो उनको मानना ही पड़ेगा चाहे उनको पसंद हो चाहे ना हो ठीक है तो इसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी और ऑथोटेरियन स्टाइल इसके बाद है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल अब नाम से पता लग रहा है यहाँ पर क्या है एक टीम स्पिरिट होती है लीडर कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फॉलोअर्स से डिस्कस करता है उस चीज़ के बारे में ठीक है उनसे उसके बारे में कमियाँ जानते है अगर कोई डिसीजन अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है ये बता देते हैं हमारे फॉलोवर्स और अगर उससे सेटिस्फाई होता है तो उस डिसीजन को कैंसिल कर दिया जाता है सो अंडर दिस सबोर्डिनेट आर अलाउड टू शेयर देयर व्यूज ड्यू टू द टीम स्पिरिट डेवलप तो यहाँ पर उनको कहा जाता है कि आप भी अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं तो एक डेमोक्रेसी है यहाँ पर इसके बाद ए लेजिस्फेयर यहाँ पर तो लीडर ही ढीला पड़ जाता है लीडर ही लेजी हो जाता है जो सारे डिसीजन लिए जाते हैं वो फॉलोवर्स के थ्रू लिए जाते हैं लीडर से बस अप्रूवल लिया जाता है क्या इसको पास कर दें वो कहते कर दो ठीक है पास कर दीजिए तो सबसे मेन एक्टिव रोल यहाँ पर हमारे फॉलोवर्स का रहता है लीडर का थोड़ा सा पैसिव रोल चला जाता है अंडर द लेजिस्फेयर सो so, चलिए फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरीज ऑफ लीडरशिप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीवियस ईयर में इसमें से कई बार क्वेश्चन आए हुए है एग्जाम के अंदर होप सो इन फ्यूचर भी आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा सो so, हमारी डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज होती हैं लीडरशिप की जैसे कि ग्रेट मैन थ्योरी हो गया ट्रेड थ्योरी सिचुएशनल थ्योरी कंटीजेंसी बिहेवियल क्रिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजेक्शनल तो ये सारी थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है वन बाय वन हम हर एक थ्योरी के बारे में जानेंगे चलिए सबसे पहले थ्योरी आती है ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप अब ग्रेटमैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या कहती है ये कहती है कि अगर आपको लीडर बनना है तो आपके पास कुछ क्वालिटीज़ का होना क्या है जरूरी है लेकिन खास बात यह है कि इन क्वालिटीज़ को हम अपनी लाइफ टाइम में अचीव नहीं कर सकते ठीक है इस लाइफ इन क्वालिटीज़ को हम एक्वायर नहीं कर सकते अपनी लाइफ टाइम में ये बाय बर्थ ही हमें मिल सकती हैं ठीक है थीके? तो इसका मतलब अगर आपको बाय बर्थ ये क्वालिटीज़ मिल गई तभी आप लीडर बन सकते हो अगर ये क्वालिटीज़ नहीं मिली तो आप लीडर नहीं बन सकते ये कहना है कहीं ना कहीं ग्रेटमैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप का सो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी लीडरशिप कॉल्स फॉर सर्टेन क्वालिटीज़ लाइक चार्मेस कमांडिंग पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि एक पर्सन को बाय बर्थ ही मिल सकती हैं ऐसा माना गया है विच आर ऑफ सच नेचर डेट दे कैन नॉट बी टॉट और लर्न इन ए फॉम फॉर्मल सेंस तो कहा गया है कि इन क्वालिटीज़ को हम फॉर्मल सेंस में नहीं सीख सकते इट आर्ग्यू दैट लीडर आर बोन नॉट मेड तो इसमें ये स्पेसिफिक कहा गया है कि जो लीडर्स होते हैं वो बोन होते हैं उनको बनाया नहीं जाता वो पैदाइशी ही लीडर होते हैं उनको क्रिएट नहीं किया जाता ठीक है लेकिन इसकी कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन रही है कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम किसी क्वालिटीज को ना अचीव कर पाएं अपने लाइफ टाइम के अंदर ठीक है सीखा तो सब कुछ जा सकता है तो एक कहीं ना कहीं कही इसकी एक लिमिटेशन रही है बट द मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी इज दैट इट इज ओनली ए डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव थ्योरी बनकर रह चुकी है इंडिविजुअल ट्रेड्स ट्रेड मेक अप द टोटल पर्सनैलिटी तो इंडिविजुअल की जो ट्रेड्स होती है वो हमारी टोटल पर्सनैलिटी को नहीं डिफाइन कर सकते जैसे कि मान लो कोई इंडिविजुअल चार्म है तो इसका मतलब थोड़ा ना कि वो उसकी जो वो उसमें लीडर बनने की क्वालिटी है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना ओके okay, उसके लिए कुछ और भी स्किल्स का होना जरूरी है चलिए नेक्स्ट है ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप अब ये ग्रेट मैन थ्योरी का एक अपडेटेड वर्जन है वो कैसे ए मॉडिफिकेशन ऑफ द ग्रेट मैन थ्योरी इज द ट्रेड थ्योरी विच आर्ग्यूज लीडरशिप क्वालिटीज और ट्रेड्स कैन बी एक्वायर्ड तो इस थ्योरी में कहा गया है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि आपको सिर्फ क्वालिटीज बाय बर्थ ही मिलेंगी इसमें कहा है कि कुछ लीडरशिप क्वालिटीज को हम एक्वायर्ड भी कर सकते हैं अपने लाइफ टाइम के अंदर दे नीड नॉट ऑलवेज बी इन बोन द ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप स्टेट्स डेट दे आर सर्टेन आइडेंटिफिकेबल क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स डेट आर यूनिक टू लीडर्स एंड डूज गुड प्रोसेस सच क्वालिटीज टू सम एक्सटेंड तो इसमें कहा गया है कि लीडर बनने के लिए कुछ स्पेशल क्वालिटीज का होना जरूरी है तो उसमें से कुछ हद तक इन क्वालिटीज़ को हम अपने लाइफ टाइम में क्या कर सकते हैं प्रोसेस कर सकते हैं ओके लीडरशिप क्वालिटीज मे बी इन बोर्न और मे बी एक्वायर्ड तो इसका कहने का मतलब यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको बाई बर्थ ही एक्वायर्ड कर लें और ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको अपने लाइफ टाइम में भी एक्वायर्ड कर सकते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो क्वालिटीज हमें लीडर बनने के लिए चाहिए वो हमें बाय बर्थ ही मिलेंगी ऐसा कहना नहीं है इस थ्योरी के अंदर ठीक है तो ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन है ग्रेट मैन थ्योरी का ग्रेट मैन थ्योरी ने तो सीधा सीधा कह दिया था जो क्वालिटीज आपको चाहिए वो बाय बर्थ ही मिल सकती हैं आप अपने लाइफ टाइम में उसको प्रोसेस नहीं कर सकते चलिए इसके बाद आती है हमारी बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप अब इस थ्योरी के अंदर हम फोकस करेंगे लीडर के बिहेवियर पर उसका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए है ना सो द थ्योरी मेजर एम्पेथिस वॉज गिवन ऑन द बेहेवियर ऑफ द लीडर दैन देय पर्सनैलिटी ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एक्शन ऑफ द लीडर इन अटेनिंग गोल्स आर इम्पोर्टेंट तो एक लीडर किस तरह के एक्शंस परफॉर्म करता है पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये इम्पोर्टेंट है ये मैटर नहीं करता कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं ठीक है थीके, उसके एक्शंस किस तरह के हैं ये इम्पोर्टेंट है इट स्टडीज द काइंड एंड द बिहेवियर डिट अफेक्ट्स द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द सबोर्डिनेट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन सपोज करो मैं इस तरह का बिहेवियर कर रहा हूँ जिससे मेरे जो फॉलोवर्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तब तो मैं कहूँगा कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ ऑन द कॉन्ट्री अगर कुछ इस तरह का बिहेवियर कर रहा हूँ जिससे वो मुझे सीरियसली नहीं ले रहे फिर मेरे में खाएगी क्वालिटी फिर जो मेरे अंदर क्वालिटी है उसका फायदा ही क्या है ना तो बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लीडर इट लेज एम्पेस ऑन द Studying behavior of leader and their effect on followers. तो हम यहाँ पर फोकस करते हैं कि एक लीडर किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है और उसका इफेक्ट उसके फॉलोवर्स पर क्या पड़ रहा है अगर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो दिस इज अ ग्रेट लीडर ऑन द कंट्रेरी हम नहीं कहेंगे कि वो एक ग्रेट लीडर है ठीक है तो सारी बात किस चीज पर आ जाती है बिहेवियर पर आ जाती है चलिए इसके बाद है सिचुएशनल थियोरी ऑफ लीडरशिप अगेन नाम देखो इनमें सारी चीजें नाम से ही सजेस्ट होती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर लीडर किस तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर यह मैटर करता है ठीक है अब मान लो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जो अनप्रिजेंट सिचुएशन है ठीक है अच्छी नहीं है उसमें एक लीडर का किस तरह रोल रहा है एक सिचुएशन वो है जो प्रिजेंट है उसमें रोल किस तरह कर रहा है तो सारा खेल यहाँ पर सिचुएशन का है उस सिचुएशन को एक लीडर कैसे हैंडल कर रहा है ये मैटर करता है वही चीज बताएगा कि एक लीडर कैसा है ठीक है सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लीडरशिप चेंजेस फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप एंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन लीडरशिप एज्यूम डिफरेंट डायमेंशन इन डिफरेंट सिचुएशन द लीडरशिप एक्सरसाइज इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन कंसिस्टिंग ऑफ पीपल एंड गिवेन तो जो बेसिकली लीडरशिप होती है ना उसको हम यूज ही कहाँ करते हैं स्पेसिफिक सिचुएशन में ही यूज करते हैं ओके okay. मान लो एक फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर लिया है अब उनको स्ट्राइक से हटाने के लिए एक लीडर किस तरह रोल प्ले करेगा ठीक है सिचुएशन कौन सी आगी अनप्रेजेंट आगी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन कैसी आगी अनप्रेजेंट आगी अब यहां पर लीडर का कैसा रोल रहेगा देखने वाली बात यह है से उसमें क्वालिटीज एक भी ना हो अगर उसने परसिशुएट कर लिया उन वर्कर्स को तो वो ग्रेट लीडर कहलाएगा तो ये है हमारी सिचुएशनल थ्योरी जो डिपेंड करती है किसके ऊपर सिचुएशन के ऊपर द फोकस अंडर दिस लीडरशिप इज नॉट ऑन द पर्सनैलिटी तो हम फोकस पर्सनैलिटी पर नहीं कर रहे हैं बट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटी पर फोकस कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी सिचुएशन प्रिवेल कर रही है इस चीज पर फोकस कर रहे हैं रेदर देन ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ लीडर ओके सो होप सो क्लियर होगा वो चलिए अब हम बात करते हैं कंटीजेंसी थ्योरी अब कंटीजेंसी थ्योरी में अभी तक जितनी भी ट्रेड्स इसमें ट्रेड भी इफेक्ट करती है बिहेवियर भी आ जाता है और सिचुएशन भी आ जाता है तो तीनों का मिक्सचर अगर कर दें तो वो बन जाती है हमारी कंटीजेंसी थ्योरी इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कई तरह के मॉडल्स डेवलप किए गए हैं अब ये मॉडल्स काफी इंपॉर्टेंट है सबसे पहला है फ्रेड फेडलर्स कंटीजेंसी मॉडल हर्षे ब्लैचार्ड सिचुएशनल मॉडल पाथ गोल थ्योरी और कोग्नेटिव थ्योरी कोग्नेटिव रिसोर्स थ्योरी वन बाय वन जानते हैं इनको चलिए सबसे पहला है फ्रेड फेडलर्स कंटीजेंसी मॉडल अब ये मॉडल क्या कहता है ये मॉडल कहता है परफॉर्मेंस ऑफ ए ग्रुप डिपेंड अपॉन द प्रजेंट और अनप्रेजेंट सिचुएशन कि एक ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है प्रिजेंट और अनप्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर हर्ष ब्लेंचार्ट सिचुएशन मॉडल कहता है कि द स्टाइल ऑफ लीडरशिप बेस्ड अपॉन द मेच्योरिटी ऑफ सबोर्डिनेट वो कहता है कि जो लीडरशिप का स्टाइल है वो डिपेंड करता है कि जो हमारे सबोर्डिनेट्स हैं वो कितने हद तक मैच्योर हैं अगर मेच्योर होंगे तो हम डेमोक्रेटिक स्टाइल को अडॉप्ट कर लेंगे बट अगर वो मेच्योर नहीं है उनको समझानी पड़ रही है हर एक चीज तब हमें ऑटोक्रेटिक स्टाइल को एप्ट करना पड़ेगा ठीक तो है, है तो यहां पे बेसिकली उनकी है नीडोप्टिंग्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कभी कभी जरूरत पड़ेगी हमें ऑटोक्रेटिक का भी यूज करना पड़ेगा जब जरूरत पड़ेगी डेमोक्रेटिक भी हम यूज कर सकते हैं तो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी का होना जरूरी है अंडर गोल थ्योरी कोग्नेटिव रिसोर्स थ्योरी कहती है दिस थ्योरी दैट इफ द लीडर इज एक्सपीरियंस्ड अगर एक लीडर एक्सपीरियंस है देन ही विल बी एबल टू परफॉर्म इफेक्टिवली अंडर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो अगर एक लीडर जो है वो एक्सपीरियंस है उसने ऑलरेडी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप रोल प्ले किया है तब तो वो क्या करेगा हर एक सिचुएशन के अंदर जो है इफेक्टिवली परफॉर्म करेगा है ना तो बेसिकली बात आ जाती है एक्सपीरियंस की तो एक्सपीरियंस की बात की गई है कोविनेटिव रिसोर्स थ्योरी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है पाथ गोल थ्योरी के अंदर मैचोरिटी की बात की गई है हर्ष ब्लेंचर्ड सिचुएशनल मॉडल के अंदर और प्रेजेंट और अनप्रेजेंट सिचुएशन की बात की गई है फ्रेड फेडलर्स कंटीजेंसी मॉडल के अंदर तो मैच ऑफ द फ्लोइंग में अलग से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ओके okay, चलिए अब हम बात करते हैं क्रिसमेटिक लीडरशिप थ्योरी ये थ्योरी कहती है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनना है तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल क्वालिटीज होनी जरूरी है तो इट मीन्स अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर बनना है तो भैया इन जो क्वालिटीज़ हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ इनको अपने अंदर समा लीजिए अब ये क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं ट्रेड्स प्रेजेंट इन सच लीडर आर इन विजिंग और फोर्सिंग इसका मतलब जो लीडर है उसके पास इस तरह की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो फ्यूचर को भाप ले वो आज से ही पता कर ले कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है इस तरह की क्वालिटी उसके पास होनी चाहिए सो लीडर फोर्स दी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ कि फ्यूचर में किस किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है इस चीज़ को अगर वो जान लेता है तो एक सक्सेसफुल लीडर वो कहलाएगा नेक्स्ट है एनर्जिंग और एम्पावरिंग तो लीडर जो है हाईली कॉन्फिडेंट होना चाहिए अगर वो डिसीजन ले रहा है तो वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए उस चीज़ के अंदर है ना नेक्स्ट है सपोर्टिंग और गाइडिंग लीडर इस तरह का होना चाहिए जो अपने फॉलोवर्स को टाइम टू टाइम क्या करे गाइड करता रहे तो ये क्वालिटीज जो है लीडर के अंदर होनी चाहिए इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी अभी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी क्या कहती है दिस थ्योरी स्टेट्स डेट ए लीडर इज इफेक्टिव ओनली इफ ए लीडर कैन चेंज द परसेप्शन और कैन ट्रांसफॉर्म द फॉलोवर्स तो ये थ्योरी कहती है कि एक लीडर इफेक्टिव तभी बन सकता है अगर वो अपने फॉलोवर्स की परसेप्शन को क्या कर दे चेंज कर दे ठीक है जैसे कि मैंने कहा था कि जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हैं अगर कोई लीडर उनकी परसेप्शन को ही चेंज कर दे टू ऑर्गेनाइजेशन तो वो क्या कहलाएगा सक्सेसफुल लीडर कहलाएगा ये कहा गया है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी के अंदर इसके बाद है लास्ट थ्योरी दैट इज ट्रांजेक्शनल लीडरशिप थ्योरी अब ये थ्योरी क्या कहती है दिस थ्योरी एम्पेथिस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्ड आउटकम एंड रिजल्ट कि एक लीडर किस तरह रिज, रिजल्ट क्या कहते हैं एक लीडर जो है वो किस तरह रिजल्ट को रियलाइज करवाता है बाय द फॉलोवर्स है ना द लीडर कैन मोटिवेट द फॉलोवर्स बाय वे ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम अब रिजल्ट ऐसे तो आएगा नहीं उनको मोटिवेट करना पड़ेगा फॉलोवर्स को जब मोटिवेट करेंगे तभी वो रिजल्ट लेके आएंगे तो एक लीडर किस तरह रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू अपने फॉलोवर्स को मोटिवेट करता है रिजल्ट लाने के लिए जैसे कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक लीडर को काम करवाना है किससे वर्कर्स से तो वो उनको किस तरह मोटिवेट कर रहा है किस तरह वो काम कर रहे हैं ये भी एक क्वालिटी होती है लीडर की तो ये आती है हमारी ट्रांजेक्शनल लीडरशिप थ्योरी के अंदर होप सो क्लियर हो गया होगा चलिए ओके सो okay, so अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी के भी टाइप्स होते हैं देर आर फोर टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डेट इज टाइप ए पर्सनैलिटी टाइप बी टाइप सी और टाइप डी अब टाइप ए ए टाइप के पीपल्स कौन से होते हैं जो डायरेक्टर्स होते हैं और ओवर अचीवर्स होते हैं जो वर्कहोलिक होते हैं बेसिकली उनको काम करना क्या है पसंद होता है सो टाइप ए पर्सनैलिटी कैन रेंज फ्रॉम गोल ओरिएंटेड अचीवर्स टू ऑब्सेसिव वर्क सो इस तरह के जो पर्सनैलिटी वाले पीपल्स होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं सारा ध्यान उनका अपने गोल को अचीव करने में लग रहता है और ये वर्कहोलिक होते हैं ये हद से ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं कॉमन टाइप ए पर्सनैलिटी ट्रेड्स इंक्लूड एम्बिशियस मोटिवेटेड पैशनेट तो जनरली जो टाइप ए पर्सनैलिटी पीपल्स होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं गोल ओरिएंटेड होते हैं मोटिवेटेड होते हैं पैशनेट होते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी आर मोटिवेटेड बाय चैलेंजेस सक्सेस विनिंग मनी तो बेसिकली जितने भी टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली हम कह सकते हैं वो टाइप ए पर्सनैलिटी के अंदर इंक्लूड होते हैं इसके बाद है टाइप बी पर्सनैलिटी नेक्स्ट कौन सा है हमारा टाइप बी पर्सनैलिटी अब टाइप बी पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो सोशलाइजर होते हैं वो सोसाइटी में घुल मिलकर रहना पसंद करते हैं एक दूसरे से हंसना बोलना पसंद करते हैं सोसाइटी के साथ रहना चल, चलना पसंद करते हैं ना ये पीस मेकर होते हैं दे आर इंजॉयबल टू बी अराउंड इन ए पॉजिटिव सिचुएशन ये इंजॉयबल होते हैं ये अपनी लाइफ को बड़े मजे के साथ जीना पसंद करते हैं पॉजिटिव रहते हैं अपनी लाइफ में टाइप बी पर्सनैलिटी टिपिकली हैव द फ्लोइंग ट्रेड्स रिलैक्सड रहते हैं सोशल होते हैं कैजुअल होते हैं टाइप बी पर्सनैलिटी आर मोटिवेटेड बाय कॉम्प्लीमेंट्स एंड रिओगनाइजेशन तो टाइप बी पर्सनलिटी के जो लोग होते हैं अगर उनको कोई कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो भैया इतने मोटिवेट हो जाते हैं इनसे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता है ना अगर मैंने कह दिया कि आज तो आप बड़े चार्म लग रहे हो ओहो वो तो हो गए सामने वाले मोटिवेट तो ये बात होगी किसकी टाइप बी पर्सनैलिटी की इसके बाद आता है टाइप सी पर्सनैलिटी अब टाइप सी पर्सनैलिटी में हमारे थिंकर आ जाते हैं एनालिस्ट आ जाते हैं साइंटिस्ट आ जाते हैं ये सारे जो लोग होते हैं ये हमारे टाइप सी पर्सनलिटी के अंदर आते हैं टाइप सी पर्सनलिटी यूज़ लॉजिक एंड रेशनलैटी टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड तो बेसिकली ये जो इस टाइप के पर्सनैलिटी वाले पीपल होते हैं ये लॉजिक और रेशनलैिटी का ज़्यादा यूज़ करते हैं टाइप सी पर्सनलिटी टिपिकली हैव द द्लोइंग ट्रेड्स कौन कौन सी ट्रेड्स होती हैं इनके पास ये डिपेंडेबल होते हैं बेसिकली दूसरों के ऊपर क्या रहते, है, रहते हैं जनरली डिपेंड रहते हैं डिटेल ओरिएंटेड होते हैं और अपने काम में फोकस रहते हैं हमेशा टाइप सी पर्सनैलिटी प्रेफर्स टू वर्क ओन टीम प्रोजेक्ट्स एट ऑल तो मैंने पहले ही कहा ये डिपेंडेंट रहते हैं तो इसका मतलब क्या है ये टीम में वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं रेदर देन इंडिविजुअल दे हैड रेदर टू देयर वर्क इंडिपेंडेंट डिपेंडेंटली तो ये काम को इंडिपेंडेंटली वे में ना करते हुए ये टीम के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहते हैं डेट्स वाई ये डिपेंडेंट होते हैं थोड़ा सा वैसे ये फोकस तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपनी टीम के ऊपर डिपेंड रहते हैं डेट्स वाई हमने कहा कि जो टाइप सी पर्सनैलिटी पीपल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं इन नेचर इसके बाद है टाइप डी पर्सनैलिटी अब टाइप डी पर्सनैलिटी में आ जाते हैं हमारे सपोर्टर और फिलासफर तो हमारे जो सपोर्टर होते हैं फिलासफर होते हैं ये सारे होते हैं टाइप डी पर्सनैलिटी के सो so, टाइप डी पर्सनैलिटी आर इन टच विद देयर इमोशन सो जनरली इस तरह के लोग जो हैं, होते हैं थोड़े हो इमोशनल होते हैं भावनाओं में बह जाते हैं टाइप डी पर्सनैलिटी टिपिकली हैव द फ्लोइंग ट्रेड्स ऑब्जर्वेंट सेंसिटिव होते हैं सपोर्टिव होते हैं ठीक है किसी को कह दिया यार मुझे पैसे की जरूरत है वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं तो वो इस तरह के पीपल जो होते हैं वो टाइप डी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं दे एक्सपीरियंस जॉय एंड हैप्पीनेस मोर इंटेंशनली जेंट अदर्स क्योंकि ये इमोशनल होते हैं डेट्स वाई ये हैप्पीनेस को भी अच्छे से इन्जॉय करते हैं क्योंकि वो भी इमोशन का पार्ट है और जब कोई सैड बात होती है तभी भी ये काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर बट कैन बिकम मोर इजिली इन एक्सचीज एंड डिप्रेस्ड और जल्दी डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं तो ये टाइप डी पर्सनैलिटी है जो जल्दी डिप्रेस्ड भी हो जाती है इसके बाद हम बात करते हैं फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी के फाइव फैक्टर मॉडल कौन से हैं तो बेसिकली फाइव फैक्टर मॉडल जो है इसको हम फाइव वेरिएबल फैक्टर्स के तौर पर हम जानते हैं कि पर्सनैलिटी के कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं दीज फाइव फैक्टर्स आर कलेक्टिवली नोन एज बिग फाइव फैक्टर्स इस चीज का भी फ्रेंड्स आपको रिमाइंड रखना है कि हम फाइव फैक्टर्स मॉडल को बिग फाइव फैक्टर्स भी कहते हैं अब ये फाइव फैक्टर्स कौन से हैं ये है एक्स्ट्रा वर्जियन एग्रीएबलनेस कॉन्सिशियसनेस न्यूरोक्रेटिज्मेस तो फ्रेंड सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बिग फाइव फैक्टर और फाइव वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी तो आपको एक सेलेक्ट करना होगा तो इस तरह का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बन के आ सकता है मैच ऑफ द फ्लोइंग में किसट्रेजर एक्स्ट्रावर्जियन वेरिएबल फैक्टर में कौन कौन सी ट्रेड्स इंक्लूड होती हैं इसमें होती है हमारी टॉकेटिव अजटिव एग्रीएबलनेस में आपकी कौन सी ट्रेड इंक्लूड होती है इसमें होती है फॉरगिविंग जनरस एप्रिशिएटिव कंसिशियसनेस में कौन कौन सी ट्रेड्स इंक्लूड होती हैं इसमें होता है ऑर्गनाइज रिस्पॉन्सिबल रिलायबल न्यूरोटिज्म में कौन सी होती हैं इसमें नेक्शियस होता है टेंस होता है टची होता है ओपन एस के अंदर वाइड इंटरेस्ट क्यूरसिटी इन सेटफुलनेस तो जनरली इसमें से क्वेश्चन यही बनते हैं कि पहली बात तो ये कि फाइव फैक्टर मॉडल में कौन सा पार्ट है और कौन सा नहीं है नेक्स्ट ये कि इस वेरिएबल फैक्टर में कौन कौन सी हमारी ट्रेड्स इंक्लूड होती है तो इसको एक बार अच्छे से याद रख लेना कि कौन कौन से फैक्टर में हमारी कौन कौन सी ट्रेड्स जो है वो इंक्लूड होती हैं ओके okay, चलिए अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज की वैसे तो ये जो पार्ट है ये हमारे मैनेजमेंट में ज्यादा पूछा जाता है लेकिन कई बार क्वेश्चन जो है इसके हमारे कॉमर्स में भी पूछे गए हैं काफी बार डेट्स वाइज टॉपिक को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कराया है चलिए तो ये हमारे कुछ थ्योरीज हैं किसकी ऑर्गेनाइजेशनल की कौन कौन सी हैं क्लासिकल थ्योरी है न्यू क्लासिकल थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी है कंटीजेंसी है मोटिवेशन है ओपन सिस्टम थ्योरी है तो इन थ्योरीज को मैं ज़्यादा डीम डाउन जाकर नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमारा पार्ट ही नहीं है ये मैनेजमेंट का पार्ट है लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन इसमें से एक दो बार देखा गया इसको है डेट्स वाइज को मैंने यहाँ पर इंक्लूड okay? है ओके चलिए सबसे पहला है क्लासिकल थ्योरी अब क्लासिकल थ्योरी किस चीज़ के बारे में बात करती है तो क्लासिकल थ्योरी फोकस करती है वर्क को डिवाइड करने पर डिवाइड अ प्रोफेशनल टास्क इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे ताकि हम किसी काम को एफिशिएंट वे में कर सके इसलिए हम क्या कर देते हैं उस टास्क को हम डिवाइड कर देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन देयर आर फोर प्रिंसिपल इसके हमारे फोर प्रिंसिपल है कौन कौन से पहला है डिवीजन ऑफ लेबर दूसरा है स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस तीसरा है स्ट्रक्चर स्पैन ऑफ कंट्रोल और फोर्थ है हमारा कौन सा स्केलर और एक है हमारा फंक्शनल प्रोसेस ओके तो ये याद रखना इसके चार प्रिंसिपल्स होते हैं हम क्या करते हैं अपने लेबर को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ स्पेशलाइजेशन फिर फंक्शनल के बेस पे हम उनको डिवाइड कर लेते हैं फिर स्ट्रक्चर स्पैन ऑफ कंट्रोल फिर हम एक स्पैन ऑफ कंट्रोल की एक मैनेजर के अंडर कितने वर्कर्स जो हैं वो काम करेंगे इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं इसके बाद आता है न्यू क्लासिकल थ्योरी अब न्यू क्लासिकल थ्योरी फोकस करता है किस चीज के ऊपर इमोशन और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ पीपल बिहेवियर तो पीपल्स के इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स पर फोकस करती है न्यू क्लासिकल थ्योरी दिस थ्योरी आर्ग्यूज डेट ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सोशल अक्सेप्टेंस इज़ एन इम्पोर्टेंट स्पेक्ट तो बेसिकली कहा गया है कि जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है ठीक है और हमारी सोशल अक्सेप्टेंस है वो एक इम्पोर्टेंट है रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि अगर जो लिंक होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के साथ जो करेज उसको मिलेगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में ये कहा गया है न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर इसके बाद है मॉडर्न थ्योरी अब मॉडर्न थ्योरी कहती है कि देयर इज एन इंट्रेक्शन बिटवीन द पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट एज वेल एज इंटरपर्सनल इंट्रेक्शन मॉडर्न थ्योरी कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन रहता है किसका पीपल जो कि ह्यूमन रिसोर्स है उसका और साथ में किसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट का तो इन्वायमेंट का और पीपल का एक इंट्रैक्शन देखने को मिला है हमें किसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कहा गया है मॉडर्न थ्योरी के अंदर तो मैनेजर हु इम्प्लीमेंट दिस अप्रोच में एक्वायर एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ बिहेवियर तो अगर इस अप्रोच को अडॉप्ट करना है तो हमें एम्प्लॉयज़ के बारे में नॉलेज होना जरूरी है उनके बिहेवियर के बारे में नॉलेज होना जरूरी है तभी हम क्या कर सकते हैं इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके बाद है कंटीजेंसी थ्योरी तो कंटीजेंसी थ्योरी कहती है आइडियल डिसीजन और चॉइस में डिफर फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर्स सो चॉइसेस आर डिपेंडेंट ऑन वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स तो ये कहती है ये थ्योरी की जो डिसीजन कैपेसिटी होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट हो सकती है वो डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर सो so, इसमें कहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारे एम्प्लॉयज हैं जो हम पॉलिस बना रही हैं पॉलिसीज बना रहे हैं इन चीजों के ऊपर और जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स करती है ऑर्गेनाइजेशनल नेक्स्ट थ्योरी है मोटिवेशन थ्योरी अब मोटिवेशन थ्योरी क्या कहती है इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ वट ड्राइव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टू वार्ड्सर प्रोफेशनल गोल तो ये थ्योरी कहती है कि हमें इस चीज के ऊपर स्टडी करनी चाहिए कि जो हमारे मेंबर्स हैं जो वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कौन सी चीज़ जो है इंस्पायर करती है काम करने के लिए कौन सी चीज़ जो है वो मोटिवेट करती है काम करने के लिए अगर हमें उन चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा तो हम इजिली क्या कर सकते हैं काम निकलवा सकते हैं अपने मेम्बर से ओके okay, तो बेसिकली हमको मोटिवेशन पर फोकस करना है कि क्या चीज़ जो है हमारे मेंबर्स को मोटिवेट करती है इसके बाद है ओपन सिस्टम थ्योरी तो ओपन सिस्टम थ्योरी कौन सी है ओपन सिस्टम थ्योरी इज ए कंसेप्ट डेट आर्ग्यूज डेट एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस इट एंड अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस में हेल्प मेंबर्स डेवलप मोर इफेक्टिव लीडरशिप तो ये थ्योरीज कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको हमारे एम्प्लॉयज को एंड अगर हम उसका इम्पैक्ट जान लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हेल्प कर सकते हैं मैनेजर्स की टू इफेक्ट मोर इफेक्टिव लीडरशिप स्ट्रेटेजीज तो अगर हमको उसका इफेक्ट पता लग जाएगा किसका ऑर्गेनाइजेशन के इन्वॉर्मेंट का हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैन पावर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है तो हम उससे क्या है इफेक्टिव लीडरशिप जनरेट कर सकते हैं इफेक्टिव लीडरशिप स्ट्रेटेजीज को क्या कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं तो ये कुछ हमारी थ्योरीज थी ओके सो फ्रेंड्स जो थ्योरीज थी वो बेसिकली भी हमने एज एन ओवरव्यू व्यू यहां पर डिस्कस कर लिया है हैप्स so, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंटीव्यून एंड कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग